वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। छोटा सा इंट्रो दूंगा, जो आने वाला है आज वो एक्टर है, कॉमेडियन है, सिंगर है, बहुत अच्छे होस्ट है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। द गाय हु डज इट ऑल आज मेरी गाड़ी में आने वाला है, द मनीष पॉल। लेट्स गो। हमेशा की तरह गाइस फिर से हम लोग लेट हो गए। आज का शो बैंग कर देंगे भाई, चालू करो जल्दी, लेट हो गया बहुत। दांत एकदम चमचमाते सफेद हो चुके हैं, अब मैं खुल के हंसता हूँ। सब्जी लेने जा रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ, छाती में मर्द लिख के चलता हुआ जा रहा हूँ। कहाँ से ढूंढ के लाया सारी बातें जब। और लाइफ में ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, लाइफ में करण सर से मैं कभी पैसे मांगूंगा भी नहीं, जो वो देंगे सर आंखों पर। पाजी ये अक्षय कुमार का ये क्या मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है पाजी की, कुछ तो भी लफड़ा हुआ। और मुझे याद है उस टाइम, मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं भारती ने भी मुझे पैसे दिए। परफ्यूम काउंटर के पीछे मैं बैठा होता था माइक लेके यार पाजी, और क्या बात। जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी मम्मी बोला करती थी और आज वो आई आप। मतलब मैं सबको वेट कर रहा हूँ, तू मुझे वेट करा, अभी टाइम पे आ जाएगा। थोड़ा सा लेट हो गया, कैसे हो? बहुत बढ़िया। अरे वाह, तो टोटल हम ब्लैक एंड व्हाइट है लाइफ में भाई। मुझे पता था पाजी है ना हुडी पहनेंगे, इसलिए मैं हुडी पहन के आया। मुझे तो लगा तू बॉडी वॉडी दिखाता है। पाजी चलो बढ़िया, आओ जी आओ, वेलकम टू माय शो पाजी। थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड। वाओ, आज फैजू की कार में मैं पहली बार बैठ रहा हूँ यार। फैजू क्यों भाई, गाड़ी में बैठ के ना मुझे और ज्यादा मजा आ रहा है, पता क्यों? बड़ी मेहनत की कमाई की गाड़ी है भाई, बहुत मेहनत की है तूने इसके लिए, है ना? हाँ भाजी, बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? तो पाजी मैं ना सबको यही बोलता हूँ और मैंने इंटरव्यू भी यही दिया, देखो हमेशा है ना मैं ये सीट पे होता हूँ और जो मेरे साथ में सामने वाला साथीदार होता है मेरे शो का वो नेक्स्ट सीट पे होता है, ठीक है। बट पाजी मुझे ना आज वो सवाल वाली वाइब नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा ही नहीं है पाजी के आज मैं आपको सवाल दूंगा और आप जवाब दोगे, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा पाजी, ऐसा लग रहा बस एक राउंड मारने निकला हूं। नहीं यार, बट ऑनेस्टली अभी मेरी मैनेजर लगी थी, आपने कुछ पूछा नहीं, आपने स्क्रिप्ट नहीं गाई, मैंने कहा भाई मैं शूटिंग के लिए जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो फैजू की कार में बैठा ही नहीं हूँ, तो आज मैं उसके ड्राइव पे जा रहा हूँ, उसने कुछ बोला कैमरे लगे होंगे, आई डोंट केयर, मैं मजा करने आया हूँ, दिल की बातें करेंगे। लेकिन सुन के अच्छा लगा, बिकॉज फैजू मेरे पॉडकास्ट पे आया था, उसके बाद ज्यादा मुलाकात नहीं हुई हमारी, इक्का दुक्का मिले, तो मैंने कहा आज ये अच्छा मौका है ना, एक डेढ़ घंटा इकट्ठे मिलता है और दिल से खुशी होती है पाजी, आप चाहे इक्का दुक्का ही मिलो मगर आप अपनी लाइफ में ऐसी बिजी रहो और आप ऐसी तरक्की करते रहो, माशाल्लाह पाजी आप बहुत अच्छा कर रहे हो पाजी। यार मुझे तो ये देख फैजू कितना मजा आ रहा है इन्हीं सड़कों पे, हम लोग पैदल चले हैं, यू नो मैं बताऊं तुम्हें अपना, ये आज मेरा घर है, तो मैं ऑडिशंस के लिए जब आया था मुंबई में तो मैं यहाँ पैदल जाया करता था, बिकॉज बस पहली प्रेफरेंस होती थी, सेकंड पैदल और बहुत हुआ तो ऑटो, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, तो मैं ऐसे ही देखता रहता था, मैंने कहा यार ऐसी कोई बड़ी बिल्डिंग में घर हो तो कितना मजा आएगा, और आज टचवुड वहाँ पे घर है, ऊपर वाले का करम है यार, तो बड़ा मजा आता है ये सब देख के, बड़ी खुशी होती है। क्या बात है पाजी, आप मुंबई कब आए थे? यार मैं आया 2005 में, 2005 में आया मैं मुंबई, तो हुआ क्या कि मुझे हमेशा से एक एक्टिंग, गाना बजाना, इस सब का बड़ा शौक था, और मेरे फादर जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सिस्टर अपने बाइंग हाउस में, ब्रदर उस टाइम इंश्योरेंस में था, तो सब लोग जॉब में और इस तरह के काम में थे, तो मैंने कहा यार मेरे से ये सब होता नहीं, मेरा मन नहीं करता ये करने का, तो मैंने अपने फादर को एक दिन कहा, मैंने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो कहते क्या करने जा रहा है, मैंने कहा हीरो बनने जा रहा हूँ। अच्छा, कोई सेंस है इस बात की? कहते हैं यार बड़ा कैसे करोगे, मैं किसी को नहीं जानता वहाँ पे, मैंने कहा कोई बात नहीं कोशिश करते हैं, मैं जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं राजधानी एक्सप्रेस में बैठा, ट्रेन से आया जी, हाँ 11 सितंबर 2005। अच्छा टाइम भी याद है आपको। और 12 सितंबर 2005 मैं उतरा यहाँ पे मुंबई सेंट्रल, और वो टिकट अभी भी है मेरे पास, मैं तेरे को फोटो भेजूंगा, क्या बात कर रहे हो, वो टिकट मैंने लैमिनेट करा के रखी है पाजी, मेरे को प्लीज भेजना, मेरे को 1415 रुपए की टिकट थी वो, 1415 रुपए की टिकट थी वो टाइम पे, मतलब महंगी, हां महंगी वाली ली थी, तो मैं अपनी तरह से लेके आया था, और मैं आया बस यहाँ, कोई जानकार नहीं कुछ नहीं, एक बस गनीमत थी मेरी नानी यहाँ पे है मुंबई में, तब थी तो थोड़े दिन मैं उनके यहाँ चला गया था, बिकॉज मुझे एक हमेशा से प्रॉब्लम रही है, मुझे खुद करने में मज़ा आता है, मुझे खुद कमाने में, खुद कमा के खाने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं चेंबूर में रहता था और चेंबूर से मैं एयरपोर्ट तक पैदल आता था, क्योंकि पैसे नहीं थे और टाइम बहुत था, तो मैंने कहा चलो पैदल पैदल चले जाएंगे यार, और वहाँ जाके लोगों से मेरी मुलाकात, धीरे धीरे यहाँ पे ही ऑडिशंस करे और मुलाकात हुई लोगों से।
क्या बात है भाजी यार। मैं सोच रहा था पाजी के पॉडकास्ट पे आके मेरी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। पाजी यार आप तो मतलब उस दिन आपको बताना चाहिए था यार अपने। नहीं यार मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा मैं किसी बड़े पॉडकास्ट पे जाके बताऊंगा। थैंक यू भाजी। मैंने ना एक चीज देखा है इंडस्ट्री में, आपने सब चीज ट्राई की और सारी चीजों पे आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो भाजी। थैंक यू भाजी। मेरे को एक चीज जाननी है, अगर आप अगर ये टेलीविजन इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री या सोशल मीडिया से अगर आप दूर दूर होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? यार मैंने ना ऑनेस्टली, बड़े लोग कहते हैं कि प्लान बी क्या था, प्लान बी तो मैं हमेशा हर आदमी को एक बात बोलता हूँ, लाइफ में प्लान ए इतना स्ट्रांग रखो कि प्लान बी सोचने की जरूरत ही ना पड़े। क्या बात, ये बात है। तो मेरा हमेशा से क्लियर था मैंने यही करना है, तो मैंने उसके अलावा पार्ट टू सोचा ही नहीं। तो बल्कि कई लोग कहते हैं बड़ा रिस्क लेके आया, मैंने कहा हाँ यार मैं जब आया मैं बहुत यंग था उस टाइम और मैं आ गया बस धड़ल्ले में, और मुझे लगता है वो चीज़ें वर्क करी यू नो। और अगर बहुत कोई कहे कि अच्छा फिर भी क्या करना, तो मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है, तो मुझे लगता है कि मैं शायद वहाँ चला जाता, क्योंकि मुझे लगता है क्रिकेट में भी हीरोइज्म है थोड़ा। तो पाजी मुझे एक चीज जानना है कि आप ऑलराउंडर सारी चीजें करते हो, तो आप सोशल मीडिया को किस तरीके से मैनेज करते हो? यार पहली बात तो पता है मुझे इतना इंपॉर्टेंस नहीं पता थी सोशल मीडिया की। आई थिंक तुम जैसे सुपरस्टार्स ने हमें बताया कि सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचता है और अपनी बात कितने करोड़ों लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। बात तो सही है, बट आज की रेट में आई थिंक सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यू नो आपकी एक छाप होनी चाहिए, आपका एक मार्क बनता है, लोग आपको उस नाम से पहचानते हैं। आज मिस्टर फैसू इतना बड़ा नाम हो चुका है सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है, इतनी मेहनत करके हुआ है। तो आई थिंक मैं कोशिश करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ सोशल मीडिया फ्रेंडली, कई बार मुझे डांट पड़ती है मेरी टीम से कि कुछ फोटो डाल दिया करो, कुछ कर लिया करो, बट हाँ मैं अपना पूरा सोशल मीडिया खुद ही मैनेज करता हूँ। बहुत सारे जितने भी अभी फैंस देख रहे हैं उनको बता दूं, अगर डीएम पे जवाब आता है तो वो मैं दे रहा होता हूँ। क्या बात तो है, हाँ, सच्ची? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कमेंट सेक्शन में जाके खुद जवाब देता हूँ, मेरे यूट्यूब पे भी मैं खुद जाके जवाब देता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है एक पर्सनल कनेक्ट बहुत जरूरी है। ये लोगों से मैं सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं जुड़ा था, ये मुझे अच्छा लगता है इनसे बात करना, इनसे प्यार है मेरा, तो इसीलिए ये मैं खुद करता हूँ। भाजी मेरे पॉइंट से भी अगर मैं देखूँ तो सबसे पहली अगर आप सोशल मीडिया के जोन में जा रहे हो और अगर लोगों को कनेक्ट कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद ही से करो और सामने से खुद ही से अपना इनपुट दो, खुद ही से बात करो जो कि आप कर रहे हो। यार भाजी क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भाजी। भाजी मेरे को बताओ कि जब आप जब मुझे पहली बार देखे थे तो आपने मुझे सोशल मीडिया पे कहीं देखे थे या क्या क्या इंप्रेशन था आपका? भाई साहब ये मैं सबको बताना चाहता हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पहली बार मैं फैसू को कहाँ मिला था और मुझे पता भी नहीं था कि कोई है मिस्टर फैसू। ओके सो मैं एक शो में गया था बांद्रा में, तुम्हें पता है वहाँ पे एक एनवायरनमेंट का शो होता है, और वहाँ पे हम लोग गए, मैं और जग्गू दादा बैठे थे, तो उधर से मैं और जग्गू दादा बाहर जा रहे तो बहुत सारे सिक्योरिटी वाले हमें बाहर लेके जा रहे थे, और मजे की बात आप देखो सडनली एक गाड़ी आके रुकती है और पता नहीं उन लड़कों को और लड़कियों को क्या हुआ, वो गाड़ी पे चिपट गए और सडनली हमारे से भीड़ हटी और मैंने देखा ये हुआ कौन आ गया। दादा कौन आया। मैंने दादा मुझे को मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे करके देखा, ये निकला, तब तक मैं इतना जानता नहीं, मैंने कहा देखा है इस लड़के को मैंने कहीं। देन मैं वापस आया, मैंने अपनी टीम को पूछा, मैंने कहा भाई कौन है ये लड़का, तो उन्होंने मुझे बताया ये मिस्टर फैसू के नाम से जाना जाता है और यंगस्टर्स में और यूट्यूब पे और तब टिकटॉक होता था, ये बाप है वहाँ पे। तब मुझे इसके बारे में पता चला था, एंड मैंने कहा यार कमाल हो गई, कहाँ से उठा लड़का और क्या फेम है। सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था उस दिन तुम्हारा ये जलवा देख के। लव यू पाजी यार, मेरी खुशी ना बैठी नहीं रही है, इतना खुश हो गया मैं सुन के। ये बॉय पाजी अभी आपने रिसेंटली रफू चक्कर किए, तो पाजी मैं बात करूंगा रफू चक्कर की। रफू चक्कर में ना पाजी आपने इतनी सीरियस एक्टिंग की है, पाजी ये एकदम अलग ही कैरेक्टर है। आप कैसे किए, मतलब आपको क्या ऐसा सूझा या क्या आपने ऐसा सोचा कि यार इसमें मेरे को कुछ सीरियस करना चाहिए? यार क्या होता है ना फैसू, हम लोग मैं बहुत बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और हमेशा लोग मुझे जनरली बहुत कॉमेडी, मस्ती, फन, होस्टिंग इसमें जानते हैं, बट एज एन एक्टर मुझे कुछ नया देना है ऑडियंस को। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं कुछ ऐसा करूं जहां लोग कहें अरे क्या बात है कमाल कर दी। तो ये मैं चाह रहा था बड़े दिन से कुछ अलग करना, तो मैंने काफ़ी लोगों से बात करी थी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है, एंड ये रितम श्रीवास्तव जो डायरेक्टर हैं इन्होंने मुझे कॉल किया, कहते हैं यार ये एक शो है और मैं चाहता हूँ आप करो। तो मैं जब स्टोरी सुन रहा था मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं है। कहता हाँ, तो मैंने कहा तो आप जनरली मुझे लोग कॉमेडी के लिए बुलाते हैं, आपने क्यों बुलाया? कहता इसीलिए बुलाया क्योंकि लोगों का परसेप्शन तोड़ना है मुझे।
कहते हैं मुझे पता है तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, क्योंकि जुग जुग जियो में क्लाइमैक्स जो सीन था, कहते हैं उसमें तुम्हें थोड़ा सा इंटेंस काम करना था, कहते हैं मैं उसी में दिख गया था कि तुम्हें कितनी भूख है ये काम करने की, तो आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन यू ऑन दिस. एंड दैट इज ऑल दैट हैपेंड. एंड बहुत मजा आया यार वो करके, मतलब 5 अलग किरदार करने, जहाँ पूरी वेब सीरीज में मुझे कुछ कॉमेडी नहीं करनी, बिल्कुल इंटेंस लाइंस बोलनी है, एकदम हीरोइज्म है, यू नो, अलग अलग कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, शेप बदल रहा हूँ बॉडी की, तो कभी मोटा होना है, फिर बॉडी बिल्डर बनना है, यू नो, सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए. बहुत अच्छी बात है पाजी. और पाजी वो डायरेक्टर की भी तो मतलब क्या क्या बात होगी कि मतलब आपको जुग जुग जियो में उतना इंटेंस सीन देखने के बाद में उन्होंने पूरी एक मतलब ये तो भैया कमाल की बात रितम श्रीवास्तव की, मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात होगी. थैंक यू पाजी. कौन सा ऐसा एक्टर है जिससे आप इंस्पायर हो जाते हो अपनी अपने आप को लेके? मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हमेशा से रहा हूं अमिताभ बच्चन सर से. यू नो, मैं बताऊं फैजू, मैं ना बचपन में उनकी एक फिल्म देखता था, फिल्म का नाम था मर्द. तो उसमें बच्चन साहब का कैरेक्टर जो है ना, वो छाती पे मर्द लिखा हुआ है उसके. तो मैं अपने मोहल्ले में छाती में मर्द लिख के घूमता था. क्या बोला तूने? सच में? हाँ, मम्मी जब तक स्केचपेन से यहाँ मेरे मर्द नहीं लिखती थी, मैं नीचे नहीं उतरता था. क्या बात कर रहा है भाई. सब्जी लेने जा रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ, छाती में मर्द लिख के चलता हुआ जा रहा है भाई बच्चन साहब. वेर बॉडी वेर. हाँ, ऐसा चल रहा हूँ एकदम यहाँ तक शर्ट वर्ट खोल के बच्चन साहब बन के. मतलब मुझे इतना कीड़ा था. और मुझे याद है मेरे एक अंकल थे, उन दिनों बच्चन साहब की दो फिल्म्स फ्लॉप हुई थी. फिल्म का नाम था, एक थी जादूगर और एक तूफान. ये दोनों फिल्म्स ना चली नहीं थी, तो सब कह रहे अब ना बच्चन का टाइम गया. तब ये सब चल रहा था, तो मुझे याद है उन्होंने मेरे घर में बैठ के ये बोल दिया. तो मैंने कहा जी क्या बोले आप? कहता नहीं अब बच्चन हो गया अमिताभ बच्चन. मैंने कहा बस आज के बाद आपकी मेरी खत्म. अरे बाप रे. अरे मैंने उनसे बात ही नहीं करी फॉर इयर्स कि आपने अमिताभ बच्चन साहब के बारे में ऐसा बोल कैसे दिया. मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे कहती थी तू बच्चन साहब के साथ जरूर काम करेगा. अच्छा. मैंने कहा मम्मी क्या बात करो, दिल्ली में बैठे हैं छोटे से घर में, कहां बच्चन साहब के. पर वो दिन आया यार, मैंने केबीसी होस्ट किया उनके साथ. प्रतिष्ठा परंपरा और अनुशासन यार और क्या बात. जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी मम्मी बोला करती थी और आज वो आई हैं आपको मिलने. मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था कि यार क्या बात है. और मैंने हमेशा एक 786 का बिल्ला जैसे वो रखते थे फिल्म में, दीवार फिल्म में, तो वो मैं साथ लेके रखता था. तो मैंने एक लिया होता तो वो मैंने उनसे साइन कराया. फिर मतलब वो दिन मेरे लिए इतना बड़ा दिन था यार क्या बात है. देखो माँ ने कब बात बोली और सच हो गई, फिर तो वो बड़ी एक्साइटिंग बात थी. तो बच्चन साहब ऑलवेज इंस्पायर करते हैं मुझे. मैं बड़ा खुश होता हूँ उनको देख के, बहुत सीखता हूँ. और आज बहुत बड़ी बात है, मेरी उनसे बात हो सकती है. मैं उन्हें मैसेज करता हूँ तो रिप्लाई आता है. क्या बात है. मैं उन्हें मिलता हूँ तो एक पर्सनल टच है. तो आई थिंक वो एक बहुत ही अलग, एक अलग ही रिश्ता बना हुआ उनके साथ. और माँ की थोड़ी सी दुआ भी लगी. अरे माँ की दुआ तो कभी वेस्ट हो ही नहीं सकती यार. सही बात है. भाजी आपने अपनी लाइफ में सबसे पहला घर कब लिया था? यार मैंने पहला घर ना मुंबई में लिया है आके. तो मुझे याद है मैं मुंबई जब आया था तो मैं एक बहुत छोटे से 1 bedroom हॉल किचन में था. तब मेरी शादी भी हो गई थी. तो वो घर ना उसकी हाइट, सीलिंग हाइट इतनी कम थी कि मैं टी शर्ट ऐसा बदल नहीं सकता था. वो हाथ ऊपर पंखे में जाता था. तो खैर वो सब था. तो मैं वहाँ से एक शिफ्ट करके एक रेंटेड अपार्टमेंट में गया. और वो नया फ्लैट था तो उसमें हमने रेंट में लेना शुरू किया. वो 2 bedroom था. तब मेरी बड़ी हिम्मत हुई, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया था मैंने. ये 2010 की बात है. और 2011 में मेरी बेटी हुई जनवरी में. तो मैं बड़ा खुश था, चलो बेटी हुई. मैंने कहा चलो अब बच्चा हो गया, थोड़े पैसे और मेहनत करनी पड़ेगी. कट टू मेरा लैंडलॉर्ड कहता है हाँ मनीष जी कैसे हैं, मेरे को मिलने आना है आपको. तो मैंने कहा हाई कितना स्वीट आदमी है यार, मेरी बेटी को मिलने आ रहा है. मैंने कहा आओ ना आओ. आया बेटी वेटी को मिला. कहता अच्छा मेरे को बात करनी थी, घर खाली कर दो. अरे मेरा तो ऐसा हो. मैंने कहा सर मैं घर नहीं खाली कर सकता. कहते नहीं नहीं मेरे को ये घर बेचना है. मैंने कहा देखो जी मेरे अभी बेटी हुई है और अभी मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता थोड़े दिन. तो कहता क्या करना है आप बताओ. तो मैंने कहा मैं देखता हूँ. कहता आप ले लो. तो मैंने कहा आप ले लो यार, कोई सब्जी तरकारी थोड़ी है, करोड़ों का घर है. खैर चलो. मैंने कहा अच्छा ठीक है आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो. कहता ठीक है आप 1 हफ्ते का टाइम लो, मैं करता हूँ. फैजू तुम मानेगा नहीं, मैंने उन दिनों मेरे जितने दोस्त थे, जितने प्रोड्यूसर्स के साथ मैं काम कर रहा था, मैं लिटरली हर एक के घर गया कि भैया मैंने घर लेना है, मुझे पैसे चाहिए, क्या मदद कर सकते हो. क्योंकि अब मैं वाइफ को और बेटी को निकालूंगा नहीं वहाँ से, अब वो कंफर्टेबल हैं. और मुझे याद है उस टाइम मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं भारती ने भी मुझे पैसे दिए थे. भारती और मैं हम दोनों इकट्ठे घर ले रहे थे,
तो जब भारती को जरूरत थी उसको मैंने दिए, फिर जब मुझे जरूरत होती थी मैं भारती से पैसे लेता, तभी भारती और मेरे रिश्ता बहुत अलग है, यू नो। और मुझे याद है भारती ने भी हेल्प करी, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कहा हाँ कोई नहीं मेरे से इतना ले ले इतना ले करके, मैंने पैसे जमा करके मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आपका घर ले रहा हूँ, और मैंने उसको पे किया, घर लिया, और मैंने सबको एक एक डेट दी, किसी को एक महीने बाद, किसी को डेढ़ महीने बाद, अपने को टारगेट दिया 6 महीने में मुझे ये पैसे कंप्लीट करने हैं, और मैंने 6 महीने में वो सारे पैसे कमा के कंप्लीट किए, बिकॉज मुझे पता था मैं काम कर रहा हूँ लेकिन अभी नहीं है जेब में पैसा। और वो जब घर लिया था ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था यार। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरी डॉटर बहुत लकी है मेरे लिए, वो हम दोनों के लिए बहुत लकी है, वो आई और चीज़ें बहुत बदली, सो बड़ी खुशी होती है उस बात पर। भाजी हाँ, आप इतना ज्यादा बिजी हो, अभी मुझे ये जो अपॉइंटमेंट मिला है आपका 1 घंटे का, अबे साले सच में भाजी 1 घंटा जो मिला है वो बहुत मुश्किल से मिला है। भाजी आप कैसे मैनेज करते हो, मुझे एक बात बताओ। हाँ भाजी, आप कितना सोते हो? यार देखो, जब मैं काम कर रहा होता हूँ ना, तब मेरी नींद का कोई सर पैर नहीं होता, मतलब फिर मैं 2 घंटे सो रहा होता हूँ। जो फ्लाइट में होता हूँ तो वही टाइम मिलता है मुझे सोने का, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत चल रहा होता है काम में। जिस दिन मैं बहुत थका होता हूँ ना, मतलब जिस दिन मैं क्रैंकी बैठा हूँ कि भाई मेरी नींद नहीं है, उस दिन मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूँ। क्या बात है, वो मेरा बेस्ट निकल के आता है, बिकॉज उस दिन मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ। हाँ। कि आज थकान मेरे को पीछे कैसे कर रही है यार, ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। क्या बात है, उस दिन मैं इतना बढ़िया परफॉर्म करता हूँ, बल्कि मेरी टीम भी कहती है यार आपको कमरे में देख के लग ही नहीं रहा था कि आप परफॉर्म भी करोगे, इतनी हालत खराब थी। मैंने कहा थी हालत, बट फिर मेरे को चैलेंज हो गया ना। हाँ। तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उसको मैं उस फेज को मेरी टीम बोलती है अभी पावर बैंक पे है, कुछ नहीं होगा, टेंशन अभी पावर बैंक चालू हो गया भाई, क्योंकि इनकी बैटरी खत्म है, अभी पावर बैंक चालू हो गया, अभी देख फाड़ेंगे स्टेज पे। भगवान ने ना हमें बहुत बड़ा टूल दिया है, वो है हमारा दिमाग। आप इससे अगर चैनलाइज रखोगे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, आप इसे एकदम कंट्रोल में रखोगे कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हमें अपने आप को एक रिजीम में लाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए ट्रेन करना पड़ता है, और हर चीज़ खुशी से करो, बस उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप कोई भी काम में हो, अगर उसे आप खुशी से कर रहे हो ना, यू विल बी नंबर वन इन दैट। जैसे भी मैं एक कोट देता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, संजीव कपूर जी मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली, एंड बहुत बड़े शेफ़ हैं सभी जानते हैं, मैं ऐसी बात कर रहा, मैंने कहा बड़े सर बड़ा ट्रैफिक था, इतनी भीड़ थी, ये था वो था, मेरे तो मूड ऑफ हो गया। तो मुझे उन्होंने कहा एक मुझे बात बता, इतनी अच्छी तेरी गाड़ी है, मैंने ड्राइवर चला रहा है, तू पीछे बैठा है आईपैड में मूवी देखता हुआ, गाने सुनता हुआ, एसी में ठंडी हवा में कोल्ड ड्रिंक पीता, कुछ खाता। मैंने कहा हाँ सर, तो फिर कमी किस चीज़ की है? मैंने कहा हाँ यार, जब सारे कंफर्ट मिले तो बैठ आराम से एंजॉय कर उसे। मैंने कहा यार ये तो नज़रिए से देखा ही नहीं मैंने कभी यार। तो उसके बाद ना मैं बड़ा रिलैक्स हो गया, मैं लेट भी हो रहा था, मैंने ठीक है आराम से, ट्रैफिक है तो है कोई नहीं, एंजॉय करते हुए जाएंगे, मैं तो सुकून में हूँ। हाँ और क्या यार। अच्छा पाजी, मेरे को एक चीज पूछना। हाँ, बोला पाजी, ये अक्षय कुमार का ये क्या मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है पाजी, कि कुछ तो भी लफड़ा हुआ है। अरे यार ये मीडिया ने पता नहीं क्या बात को कहाँ घुमा दिया, तो बीच में एक पता नहीं कहाँ से न्यूज आ गई कि अक्षय कुमार ने मनीष पॉल से रूडली बात करी। अरे भाई अक्षय पाजी बड़े भाई की तरह है, इतना प्यार करते हैं, तो एक अवार्ड नाइट थी जहाँ पे मस्ती हुई, तो अब क्या होता है ना एडिट ऐसा लगाते हैं कि वो लगता है अरे बाप रे क्या हो गया। यार अक्षय पाजी इतने स्वीट आदमी हैं, इतना मज़ा करते हैं मेरे साथ, यू नो, एंड जब भी हम इकट्ठे स्टेज पे भी आते हैं खूब मज़ा करते हैं। तो उन्होंने मस्ती में मुझे बोला अबे चुप कर, ये वो मस्ती वस्ती करी, और उसके बाद बल्कि उन्होंने खूब प्यार किया, खूब हमारी बात हुई, वो सेगमेंट नहीं बोला उन्होंने। मीडिया ने क्या बोला, अक्षय कुमार ने बदतमीजी से बात करी। अरे भाई वो उस टाइम के लिए थी, और उसी के बाद क्या हुआ वो भी तो बताओ ना। तो यार ये मुझे गलत लगता है कि किसी के बारे में गलत बात मत करो, यू नो, उन्होंने जो अच्छा किया वो भी तो बताओ। हाँ। इतने सारे शोज पाजी के साथ किए हैं मैंने, और इतना अच्छा बॉन्ड है पाजी। अरे बहुत अच्छा है यार, तो लोग भी अगर सोचते तो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। कमाल है यार ये बात, सारा काम हो गया पाजी सच में। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारा सोशल मीडिया, हमारा जर्नलिज्म, सब कुछ यार हम इसे अच्छे से यूज करें तो कितना अच्छा है ना, कितना, वरना बात कहाँ की कहाँ जा सकती है, और किसे कहाँ नुकसान पहुंचेगा पता ही नहीं चलेगा। सच में बड़ा जरूरी है। सही बात है भाजी, मैंने सुना है ऐसा। हाँ। अब मुझे कंफर्म नहीं है ना, तो मेरे पास ऐसा कोई फुटेज आया है। हाँ। कि मैं आपको डायरेक्ट कंफर्म पूछूं। हाँ। बट मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। हाँ। आपने दिल्ली में एक शॉपिंग मॉल में पोस्टिंग की है, जल्दी वहां से हटो। अबे साले क्या बात है यार, ये मतलब बहुत अंदर की बात है जो एक्चुअली आज बड़े दिन बाद आ रही है। ये बिल्कुल सही न्यूज है, ये मैं बता रहा हूँ। तो दिल्ली में एक मॉल होता था बहुत बड़ा, नया नया खुला था, उसमें एक स्टोर होता था जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कपड़े परफ्यूम्स वगैरह मिलते हैं।
तो वहां पे जो ऊपर स्पीकर लगे होते हैं आवाज नहीं आती कि बाय वन शर्ट एंड गेट वन शर्ट फ्री, तो वो मैं करता था सच में। हाँ, तो वो उन्होंने मुझे जो परफ्यूम काउंटर्स होते हैं उसके नीचे एक छोटा सा स्टूल होता था जो मुझे दिया हुआ था, तो उस परफ्यूम काउंटर के पीछे मैं बैठा होता था माइक लेके, और मैं सारा दिन सुबह 9:30 से 7:30 बजे तक शाम में। पाजी क्या एज थी आपकी वो टाइम पे? यार मैं उस टाइम होऊंगा 16-17 साल, और तब मैंने वो अनाउंसमेंट्स करनी स्टार्ट करी थी। एंड मुझे याद है कि वहाँ से मुझे PVR सिनेमाज जो हैं उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी थी, और उन्होंने ऐसे ही जनरली मुझे देखा तो कहा अरे यार तुम तो अच्छा बोलते हो, तुम हमारे प्रीमियर्स क्यों नहीं होस्ट करते? मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। तो जब ये सारे एक्टर्स दिल्ली आया करते थे फिल्म प्रमोट करने, फ्रॉम शाहरुख खान, शाहरुख सर की देवदास, मेरे पास फोटोज़ है मैं तेरे को दूंगा, लगान फिल्म आमिर खान मैं दूंगा। मज़े की बात क्या है, मैंने नायक फिल्म अनिल कपूर सर आए थे और उसका प्रीमियर मैंने होस्ट किया था, मैं अनाउंसर था वहाँ पे। कट टू अनिल सर के साथ बड़ी स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, और उसी PVR में जहाँ पे मैं ये होस्ट करता था उसी PVR में मेरी स्क्रीन पे फिल्म प्ले हुई और मुझे एज एन एक्टर वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब उस दिन तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं मतलब चौक हो गया था, मैं पहले बड़े दिन बाद रोया। हाँ। यार क्या दिन है यार, मतलब बड़ी खुशी हुई उस दिन। मैंने मतलब मेहनत करो सबको, मैं इसलिए बताता हूँ बहुतों को ये बात कि मेहनत करो ना तो आता है दिन एक दिन में, ऐसा नहीं है कि अभी करोगे तो अभी आ जाएगा, टाइम लगता है लेकिन आता है दिन, मेहनत मत छोड़ो। सही बात है बाजी, मेहनत करने वालों की कभी मतलब हार नहीं होती। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। बाजी आप टेली शॉपिंग में भी थे? कहाँ से ढूंढ के लाया सारी बातें? जब तक मेरे को ये हफ्ते का डेट नहीं मिला है ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ आरएनडी किया। यार ये तो गवाल, थोड़ी बड़ी सही बात तुझे याद दिलाई यार। तो क्या है, मैं मुंबई आया ना जब, तो तब इतना काम नहीं था और उस टाइम मेरा रेंट घर का होता था 10,000 रुपये 11,000 रुपये, मेरे पास वो भी भरने के लिए ना पैसा होता था कि कैसे करेंगे, काम नहीं था ज़्यादा। तो मुझे याद है मुझे किसी ने कहा यार तेरी आवाज़ अच्छी है तू वॉइस ओवर क्यों नहीं करता? मुझे वॉइस ओवर भी नहीं पता था क्या होता। मैंने कहा वो क्या होता है? कुछ नहीं, वो आगे तेरे को इंग्लिश में दिखेगा, वो तेरे को स्क्रिप्ट देंगे, उसका बस मैच करना तूने। तो मुझे याद है मैं बोला करता था मैं बहुत पहले बहुत मोटा था, उसके बाद मैंने ग्रीन टी पी और फिर मैं पतला हो गया, मेरी चर्बी भी 4 दिनों में कम हो गई। तो ये जो है ये मैंने बहुत किया है यार। को लगा मैं टीवी में सुन रहा हूं। सही में यार। तो ये बोला पहले मेरी दांत बहुत पीले थे, जब से ही मैंने कैप्सूल लगाया मेरी दांत एकदम चमचमाते सफेद हो चुके हैं, अब मैं खुल के हंसता हूँ। तो ये भी मैंने किया यार, उसके इतने कम पैसे मिलते थे। पाजी यार सच में यार, पाजी मैं क्या बोला आपके पॉडकास्ट पे कि मैंने मेहनत की है। पाजी मैंने तो कुछ भी मेहनत नहीं किया ऐसा लग रहा है। अरे नहीं यार, सभी देखो मैं एक ही बात मानता हूँ, बहुत मेहनत करके आया हूँ पाजी, सच बात है। नहीं मेहनत तो यार देखो सब करते हैं, सबकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है, सब मेहनत करते हैं और सबकी मेहनत जो है वो रंग लानी चाहिए। मैं हर बार यही बिलीव करता हूँ, आप किसी को भी देखो वो बहुत मेहनत करके अपनी लाइफ चलाता है, अपना घर चलाता है। पाजी ये जो हमारा सेगमेंट है ना, ये लास्ट सेगमेंट है, डेयर तो मैं कर रही नहीं हूँ पाजी, क्योंकि मेरे को पता है आप सारे डेयर कर लेते हो। बट पाजी मैंने रूमर्स लाया हूँ कुछ, जो लोगों का कहना है, और मैंने वो लेके आया हूँ आपके पास। ओके, कि आज ये क्लैरिटी में हो ही जाए कि ऐसा है या नहीं। ठीक है ठीक है। आपने एक और मूवी साइन की है धर्मा में, ऐसा सच है? वेल ये अभी रूमर रहने दो, ये काश मैं बता पाऊं, लेकिन अभी थोड़े दिन और वेट करते हैं। क्या बात है? समझ रहे हो, अनीश पॉल को होस्टिंग इतनी पसंद है कि वो हर अवार्ड शो में पहुंच जाते हैं होस्टिंग करने। ये भी एक्चुअली सही है, बिकॉज मुझे सच में होस्टिंग बहुत अच्छी लगती है, और तुम मुझे बहुत कम देखोगे अवार्ड शोज में मैं बैठा होता हूँ, मैं हमेशा या स्टेज पे होता हूँ या अवार्ड लेने जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं बैठता हूँ ना ऑडियंस में तो मेरे में प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ही अंदर कमियां निकाल रहा होता है, अरे यार ये रह गया, यहाँ ये हो सकता था। तो मैं होस्टिंग को लेकर बहुत क्रिटिकल हो जाता हूँ, इसलिए ज्यादातर मैं ही होस्ट कर लेता हूँ। क्या बात है, आज मुझे भी लग रहा है मेरे शो में ना मैंने कम बात किया, या तो मैंने किया ही नहीं कुछ भी, बट पाजी ने बहुत किया है। क्या बात है, रूमर की जुग जुग जियो में सबसे महंगे स्टारकास्ट आप थे। अरे यार मैं कब से सोच रहा था ये बात दबी रहे, पर चलो अभी ये बात निकलेगी। हाँ ये बात बिल्कुल सच है, मैंने बहुत पैसे लिए थे ये, इनफैक्ट घर भी करण जौहर सर ने ही मुझे गिफ्ट किया। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो करण सर ऐसे हैं, मैंने करण सर के साथ कभी भी जब भी मैं काम करता हूँ उनके साथ, जब भी उनसे बात होती है तो कभी भी बोलते हैं ना लॉजिस्टिक्स, तो वो एक आदमी है जिनसे मैं पैसे नहीं ले सकता, तो वो जो दे देते हैं मैं कहता हूँ ओके डन,
मैंने कभी उनसे पैसे मांगे नहीं, और लाइफ में, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, लाइफ में करण सर से मैं कभी पैसे मांगूंगा भी नहीं, जो वो देंगे सर आंखों पर। क्या बात है। और मैंने एक चीज नोटिस किया, आपका और करण सर का ना बहुत अच्छा बॉन्ड है। नहीं यार, मैं बता रहा हूँ, मैं करण सर से बहुत लोग इसलिए दोस्ती करते हैं बिकॉज ही इज अ बिग डायरेक्टर प्रोड्यूसर, पर मैंने उनसे इसलिए दोस्ती की रही, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और मुझे बहुत मजा आता है उनसे बातें करके, यू नो, वो बहुत मस्ती करते हैं, कॉमेडी करते हैं, लोगों को वही दिखता है, बट वो बहुत डीप इंसान है, वो लाइफ को बहुत अच्छा समझते हैं, वो फैमिली को बहुत अच्छा समझते हैं और फैमिली वैल्यूज को बहुत अच्छा समझते हैं, तो मुझे उनसे इन बातों की बातें करके बहुत मजा आता है। बहुत रेयर हुआ है कभी मैंने उनसे कहा सर मुझे फिल्म दे दो, मतलब स्टार्टिंग में कभी कहा, उसके बाद मैंने कभी उनसे फिल्म मांगी नहीं, बिकॉज ऐसा नहीं है मैं करना नहीं चाहता या मेरी ईगो है या मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ तो मैं मांगूंगा नहीं, पर मैं ये नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में कभी ये चीज बीच में आए। मैं दो फिल्म कम कर लूं उनके साथ, लेकिन उनसे दोस्ती नहीं मेरी कम होनी चाहिए। दोस्ती का दर्जा ज्यादा, वो बहुत, बिल्कुल मेरे लिए वो फ्रेंड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या बात है भाजी। आपको नहाने में 2 घंटे लगते हैं क्योंकि आप वहां भी होश करने लग जाते हो। ये अच्छा था। अबे ऐसा नहीं है यार, मैं इनफैक्ट बता दूं, मैं 5 मिनट में नहा के बाहर आता हूँ। कई बार मेरे घर वालों को शक होता है कि मैं नहाता भी हूँ या नहीं। कहते इतनी जल्दी कोई नहा के कैसे बाहर आ सकता। मैंने कहा यार मुझे लगता है टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतनी देर क्या कोई नहाता रहेगा यार, फटाफट 5 मिनट में मैं नहा के बाहर आ जाता हूँ। तो बस पाजी यही था, और थैंक यू पाजी। थैंक यू यार, थैंक यू। राइड में हम देखो कितने अच्छा टाइमिंग है कि मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगा। Absolutely. मेरे शो का फॉर्मेट भी यही है, पिकअप भी मैं करता हूं, देखा कितना महंगा ड्राइवर रखा हुआ मैंने। जबरदस्त चल रहा है ये शो, मैं खूब देखता हूँ और इसीलिए मैं खुद भी आया, बिकॉज अच्छे अच्छे शोज में फीचर होने में अपना ही मजा है। तो भैया अगर आपको भी पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कॉमेंट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करें यार, है ना, और ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच।